welcome back to Talk with Chalk. Friends, today we are going to discuss the current topics of 24th and 25th April 2022. फ्रेंड्स, कल मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं दे पाया था, इसलिए कि कल मैंने चार ट्रिक्स कैलकुलेशन के ऊपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो प्रोडक्ट्स कैसे निकलते हैं टू डिजिट्स का, टू डिजिट नंबर्स का कैसे स्क्वायर निकलते हैं, थ्री डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर निकलते हैं और फोर डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे क्विक निकालेंगे, इसी के बारे में चार ट्रिक्स दिए थे। तो इसी चक्कर में मैंने कल करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं दे पाया था, इसलिए आज का वीडियो 24th और 25th अप्रैल 2022 का 20 क्वेश्चंस इन मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में है। इसमें आपको पहले ऑप्शन दिया जाएगा, चार ऑप्शन, और चार में से आप एक चुनिएगा, उसके बाद हम डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। सो वेस्टिंग नो टाइम, लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर वन, Finclusion is a financial inclusion initiative launched by which bank? So, Finclusion किस बैंक द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है या फिर पहल है? तो ऑप्शन हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये चारों ऑप्शन में से कौन सी बैंक ने हाल ही में Finclusion नाम का एक स्कीम चलाया है? और इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको बैंक अकाउंट खुलवा जाता है, सो दैट दे कैन एक्सेस टू द बैंक, सो दैट सेविंग्स अवेयरनेस कैन बी मेड अमंग देम, सेविंग्स एटीट्यूड उनके अंदर ग्रो होता है, और जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी सब्सिडीज हैं गवर्नमेंट की ओर से, इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलती है, बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं रहता। इसीलिए गवर्नमेंट भी ये चाहता है कि सबके पास बैंक अकाउंट हो। तो आंसर पर चलते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड Finclusion एज द ओकेजन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारतीय स्वतंत्रता की 75th वर्षगांठ मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर के रूप में Finclusion नामक एक पहल या फिर स्कीम शुरू की है। इससे क्या होगा, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको सब बैंक के साथ जोड़ेंगे, सो दैट उनको सेविंग्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और डायरेक्ट बेनिफिट को ट्रांसफर किया जा सके उनके अकाउंट में। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ हाउ मच एट ए फंक्शन हेल्ड इन दाहोद गुजरात, दाहोद में हुआ, हेल्ड इन दाहोद गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के दाहोद में आयोजित एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के दाहोद में आयोजित एक प्रोग्राम में कितने रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? और ऑप्शन सर 13,200 करोड़, 22,000 करोड़, 37.5 करोड़, 37,500 करोड़, 40,000 करोड़। तो आंसर पर चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ 22,000 करोड़ एट ए फंक्शन हेल्ड इन दाहोद गुजरात। तो 22,000 करोड़ रुपीज, तो 22,000 करोड़ रुपये की परियोजन, तो 22 करोड़ रुपीज, तो 22 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और उद्घाटन भी किया है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिल्टी इलेक्ट्रिक इनकॉर्पोरेशन बिल्टी इलेक्ट्रिक आईएनसी का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड विल सेटअप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी।
तो बिल्टिक इलेक्ट्रिक इनमें से कौन सी राज्य में हाल ही में थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का स्थापित तो बिल्टी इलेक्ट्रिक इंक ने इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और ये बेंगलुरु में होगा, इसलिए आंसर है कर्नाटका। तो आंसर पढ़ देते हैं। सो बिल्टी इलेक्ट्रिक इनकॉर्पोरेटेड बेस्ट इन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। तो बिल्टी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक इनकॉर्पोरेटेड कहाँ की है, ये कैलिफोर्निया बेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की कैलिफोर्निया के स्थित कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये बेंगलुरु में क्वेश्चन नंबर थ्री, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिलिटी इलेक्ट्रिक आईएनसी विल सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये चार राज्यों में से किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। तो ये तेलंगाना में होने जा तेलंगाना में स्थापित करने की मंशा बनाया है। इसने बिलिटी इलेक्ट्रिक आईएनसी ने, ये कैलिफोर्निया बेस्ट कंपनी है, यूएसए की कैलिफोर्निया की कंपनी है, थ्री व्हीलर बनाते हैं, ये थ्री व्हीलर बनाती है। देन क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं। इसे जाने से पहले आंसर ये है, आंसर जो मैंने बताया यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर फोर, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड, देन क्वेश्चन नंबर फोर, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोट डी आइवर और आइवरी कोस्ट। कोट डी आइवर की प्रधानमंत्री के रूप में किससे फिर से नियुक्त किया गया है। एंड ऑप्शन सर पैट्रिक एची, अमाडोन गोन कोलिवेली, अलसेन वातारा, हमिद बाकायोको। तो ऑप्शन सर पैट्रिक एची, अमाडोगन कोलिवेली, पैट्रिक एची, अमाडोगन कोलिवेली, अलसेन 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 वातारा एंड हमिद बाकायोको, ये चारों में से कौन सा होगा। तो आंसर पर जाने से पहले मैं आपको आंसर पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अलसेन वातारा ये प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, आइवरी कोस्ट के। और ये जो दो ऑप्शन हैं दो नंबर और चार नंबर में, अमाडो एंड हमिद, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर थे 17 से 2022 के बीच में, थ्री प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए क्योंकि ये दोनों का देहांत हो गया था। दैट्स वाई पैट्रिक एची बिकेम द थर्ड प्राइम मिनिस्टर विद इन 5 years। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में दिया है, जो मैंने बताया यही यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए मोबाइल ऐप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सो द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच प्लेस। एंड ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरे संस्करण के लिए एक मोबाइल ऐप खेलो इंडिया यूनी गेम्स 2021 लॉन्च किया गया है और ये गेम्स का दूसरा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। तो नेक्स्ट आंसर पर चलते हैं। इन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव मोबाइल ऐप खेलो इंडिया यूनी गेम्स 2021 ऐप का नाम है ये, और सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चल रहा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री कर रहा है और किसके साथ मिल के कर रहा है, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटका में ये हो रहा है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखना है। वर्ल्ड अर्थ डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट। विश्व पृथ्वी दिवस, जिसे हिंदी में विश्व पृथ्वी दिवस कहते हैं, और इसे
अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहा जाता है। ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है, 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर डे 2022? थीम क्या था इस साल पृथ्वी दिवस 2022 का? विषय क्या था, मतलब थीम? ऑप्शन सर, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, रिस्टोर आवर अर्थ क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? ऑप्शन इस बार ये था कि इन्वेस्टिंग इन आवर प्लानेट, एंड इन 2021 द थीम वाज रिस्टोर आवर अर्थ, मतलब थीम मतलब हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। तो 2022 में इन्वेस्टिंग इन आवर प्लानेट और हमारे ग्रह में निवेश, 2021 में रिस्टोर आवर अर्थ या फिर हमारे पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, ये दो थीम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देन क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली द प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट वाज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज हिज नेम? तो हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सर, राजा रमण, रंजीत कुमार, होमी सेठनाथिक, अजय कुमार सूद। ये चारों में से किसको अभी हाल ही में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बनाया गया है? तो अजय कुमार सूद हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किरण पोलार्ड रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज द ऑलराउंडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किरण पोलार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के नागरिक हैं, वेस्ट किस देश के प्लेयर हैं? तो ऑप्शन सर, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ये आप सबको पता है ये वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर हैं, तो हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिए हैं। देन ये मैंने दिया है यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वेयर इज द 3-डे स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, राइट? तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन सर, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई। ये चारों ऑप्शन में से कहाँ पे हाल ही में ये सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर पर चलते हैं। ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ 3-डे स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? सूरत में हुआ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया महुआ, और इसके साथ अलोंग विथ सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड, ये मिल के इसको किए हैं, स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। तो सूरत में, गुजरात में हुआ हाल ही में। देन क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट ए साइट इन व्हिच स्टेट? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सी शहर में अपना ग्लोबल सेंटर, कौन सी राज्य में अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया? ऑप्शन सर, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आंसर पर चलते हैं। रिसेंटली गुजरात में ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO ने लॉन्च किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वाज टॉप्ड द हरन ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट 2022? निम्नलिखित में से कौन हरन ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट में शीर्ष पर है, मतलब सबसे टॉप पे? साइरस पुनावाला, थॉमस फ्रिस्ट जूनियर, ली जेथिंग एंड जू होंग। ये चारों में से किसने इस लिस्ट पर टॉप पे है? और ऑप्शंस, तो आंसर होगा साइरस पुनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट का MD है। तो चेयरमैन एंड MD ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइरस पुनावाला, ही हैज रिसेंटली टॉप्ड द हरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 एंड हैज बिकम द रिचेस्ट बिलियनर इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन 2022। रिच
richest billionaire in the healthcare sector. Then question number 13 पे चलते हैं. Question number 13, which of the following countries has the largest number of billionaire in the healthcare industry? Healthcare industry में, स्वास्थ्य सेवा उद्योग में सबसे अधिक अरबपति कौन सी देश के हैं? Options are India, Germany, Switzerland and China. Answer पर चलते हैं, तो answer पर चलते हैं, चाइना में 34 सबसे ज्यादा हेल्थ इंडस्ट्री बिलियनर्स हैं. देन इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में 16 हैं. देन स्विट्जरलैंड 15 हैं. जर्मन में 11 बिलियनर्स हैं हेल्थ इंडस्ट्री से. इंडिया में 9 बिलियनर्स हैं हेल्थ इंडस्ट्री से. तो ये मैंने आपको एक डाटा दिया है. तो देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूएट्स एक्सपोर्ट कमिटी. एक्सपोर्ट कमिटी बनाया है हाल ही में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए. हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी? दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञों समिति का पुनर्गठन किया गया है. इस पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? अनिल प्रकाश जोशी, चंद्र प्रकाश गोयल, विजय धमसान, अजय रावत. इन चारों में से कौन होंगे? तो आंसर पर चलते हैं. डीजी ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल हेड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी, जिनका नाम है चंद्र प्रकाश गोयल. तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष होंगे चंद्र प्रकाश गोयल. इंडियन कोस्ट गार्ड ICG लास्ट विच एडिशन ऑफ द टू डे नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज नागपोल रेक्स 8 एट मोरमागवा पोर्ट इन गोवा. भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 2 दिवसीय स्तर पे प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम है नागपोल रेक्स 8, और ये मोरमागवा बंदरगाह में हुआ गोवा में. तो ये कितने तम, मतलब कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन का था. तो आंसर पर चलते हैं. दिस वॉज द 8th एडिशन ऑफ द टू डे नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, जिसका नाम था नागपोल रेक्स 8. अप्रैल 19 को 2 दिन के लिए मोरमागवा पोर्ट गोवा में किया गया था. देन क्वेश्चन नंबर 16, विच एडिशन ऑफ हुनर हाट मुंबई में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है? हुनर हाट का कौन सा संस्करण मुंबई में हाल ही में शुरू हुआ? 43, 43rd, 42nd, 41st, 40. हुनर हाट एक एग्जीबिशन की जैसे हैं, कल आर्टिसन का जितने भी आर्ट हैं उनको बेचने के लिए ये हुनर हाट नाम का एक एग्जीबिशन या फिर मेला जैसा बनाया गया है. तो ये हाल ही में मुंबई में हुआ, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 40th एडिशन हुनर हाट मुंबई में हुआ. 12 डे इवेंट होगा ये, 12 दिन का. एम्स टू प्रोवाइड एक्सपोजर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, ट्रेडिशनल कलिनरी एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. 12 दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य देश भर से कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को एक्सपोजर और रोजगार की अवसर प्रदान करना. पाक विशेषज्ञों मतलब खाने की चीजें जो बनाते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022? विश्व विरासत दिवस 2022 का विषय क्या था, थीम? तो इनमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है. इनहेरिटेंस ऑफ जनरेशंस, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. देन कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर, हेरिटेज एंड क्लाइमेट. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? दिस ईयर 2022 थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज हेरिटेज एंड क्लाइमेट. दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड हेरिटेज डे. देन क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ द 2021 आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड इन द फिल्म कैटेगरी? निम्नलिखित में से किससे, ये चार ऑप्शन है, इनमें से किससे हाल ही में फिल्म श्रेणी में आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? किससे मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है आईमा अवार्ड? अब्बास जाफरी, अनुराग काश्यप, राजकुमार हिरानी, सुरजीत सिरकार.
आपको पता होगा, अगर ये इमेज आपको फेमिलियर है तो आपको पता चल गया होगा कि ये सुरजीत सिरकार है। सुरजीत सिरकार वॉज अवार्डेड द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर सरदार उद्धम इन द फिल्म कैटेगरी। फिल्म श्रेणी में सरदार उद्धम के लिए सुरजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग AIAHL। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन सर शशिकांत साहू, विक्रम देव दत्त, सुशील सिन्हा, नारायण कृष्णामूर्ति। और आंसर पर चलते हैं, रिसेंटली विक्रम देव दत्त को विक्रम देव दत्त कैबिनेट कमिटी ने विक्रम दत्त को चेयरमैन एंड MD ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी बनाया है। और ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 26 अप्रैल 2022 का करंट इवेंट्स लेते आएंगे। सो दिस वाज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडेज वीडियो। बी ए करियरिस्ट एंड ऑलवेज बी इनसाइड द कल्चर ऑफ सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।